तो टाइम हो रहा है 5:56, मतलब 6 बज गए पूरे। ट्रिप ए भी बिल्कुल जीरो कर दी है, तो किलोमीटर भी चेक करने हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितने घंटे में मैंने कवर किया है ये। तो चलिए चलते हैं। I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone. Hey guys, good morning and welcome back to new vlog. तो आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो जा रहा हूँ दिल्ली टू जयपुर। इसमें मैं एक तो आज का टाइम चेक करूँगा कि बाय रोड अगर आप जाते हैं तो कितना टाइम लगता है एग्जैक्ट गाड़ी से, या फिर सुबह का टाइम है ओबियसली ट्रैफिक थोड़ा कम है, और अगर आप टाइम मतलब दिन में जा रहे हैं थोड़ा लेट जा रहे हैं तो उस टाइम पर मान के चलो कि आप 1 घंटा या आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ मतलब कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, इस हाईवे पे क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये हाईवे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हाईवे है। एक ये और एक जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है, दोनों पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, इस पर ज़्यादा चलती हैं, इस पर ट्रक ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि अहमदाबाद तक का ट्रैफिक जो है सारा इसी रोड से जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो दिखाता हूँ कुछ न्यू आपको। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रोड पे जो एक तो स्पीड लिमिट है वो 80 लिखी हुई है दिल्ली टू जयपुर हाईवे पे, और दूसरा मानेसर पहुंच गया हूँ, 1 घंटा हुआ है अभी, पूरा 7 बज चुके हैं। 6 बजे चला था दिल्ली से राइट, और मानेसर से अभी 1 या 2 किलोमीटर पीछे हूँ, पहुँचा नहीं हुई मानेसर भी। दूसरा अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलेगा, गुड़गांव तक बहुत ट्रैफिक रहता है, सुबह किसी भी टाइम निकल जाओ आप, 6 बजे निकल के भी गुड़गांव तक काफ़ी ट्रैफिक था, और अभी आगे को भी मानेसर तक ये ट्रैफिक अच्छा रहेगा, मानेसर और धारवेड़ा तक भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और ये देखिए फोग, मानेसर से निकलते ही कैसा फोग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे फोग लैंप जला के जरूर चलानी चाहिए गाड़ी। तो अभी धारवेड़ा क्रॉस कर लिया है और टाइम हुआ है 1.5 घंटा भी, 7:30 बजे, 7:36, तो अभी ऑलमोस्ट ठीक चल रहा हूँ, क्योंकि 92 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं सुबह से, तो वही 60 का एवरेज आ रहा है, जबकि इसमें बीच में फॉग भी मिला, और अभी फॉग तो हट गया है खैर जैसे जैसे धूप निकल रही है। तो अभी थोड़ा सा आपको हाईवे दिखाता हूँ, स्पीड लिमिट मैंने बताई थी अभी यहाँ पे 90 कर दी है इसकी स्पीड लिमिट, पीछे 80 थी धारवेड़ा तक, धारवेड़ा के बाद में फिर 90 कर दी है इसकी स्पीड लिमिट हाईवे की। और अभी हाईवे तो अच्छा हो गया है पहले से काफ़ी, पहले काफ़ी टूटा फूटा था, तो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको रोड भी, और साथ में बताता रहूँगा धीरे धीरे क्या क्या इस रोड पे ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इस रोड पे ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे ये क्या ट्रक का शायद बैलेंस बिगड़ा होगा और उस पर सामान वामान सब बिखरे पड़े हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो ये रॉन्ग साइड लेके आते हैं, बस रॉन्ग साइड बस लेके जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या फिर एक कट से मुड़ कर आने के लिए, और इन्हें पता नहीं होता है कि किसके साथ ये किसकी ज़िंदगी से खेल रहा है, किसको मारेंगे खुद मरेंगे। जगह का नाम है बावल, तो यहाँ पे ध्यान रखना है बावल के पास में, यहाँ पे रोड पे जो डिवाइडर है डिवाइडर को जगह जगह काट रखा है बाइकर्स ने, और वो बाइक वाले वहाँ से क्रॉस करते रहते हैं, और कई बार क्या होता है हम चल रहे होते हैं कि रोड खाली है और हम ध्यान नहीं दे पाते, और दूसरी तरफ से बाइक आई डिवाइडर से एकदम पार सामने,
तो इस तरह के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसी जगह पे। तो अभी हुए हैं 2 घंटे और मैं चल चुका हूँ 120 किलोमीटर पूरा, बहुत आराम से जा रहा हूँ, स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ। जहाँ पे 90 है 90 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, और 80 90 80 90, बाकी नीचे चलना पड़ रहा है जैसा ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे सुबह सुबह में। और एक चीज़ और, जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं ड्राइविंग करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, स्पेशली जब हाईवे पे होता हूँ, हाईवे हो या सिटी, मैं दोनों जगह ये चीज़ यूज करता हूँ। मैं एक तो दोनों ORVM का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मतलब मैं उसके बिना गाड़ी चला ही नहीं पाऊँगा अगर गाड़ी में ORVM नहीं है तो, क्योंकि मुझे साइड जब भी लेता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ कि हाँ साइड से कुछ आ तो नहीं रहा। यही रीजन है मेरी गाड़ी साइड से कभी आज तक लगी नहीं है, जब भी होता है मतलब वो होने वाली बात होती है कि कभी कुछ गाय वगैरह जैसे सामने आ गई थी नैनो के, तो वो एक मतलब सडनली चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन कभी मैंने लेन चेंज करते टाइम ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मैं ORVM में ना देखूँ और उसके बाद पहले ही मैं लेन चेंज कर दूँ, चाहे कितनी इमरजेंसी है मुझे, स्पीड कितनी तेज है, क्योंकि मैंने स्पीड भी आपने देखी है काफ़ी तेज भी चलाई है मैंने, 120 तक की स्पीड पे मैंने गाड़ी चलाई है, 140 तक भी मैंने भगाई है, बट मैं तब भी साइडों का ORVM का जरूर ध्यान रखता हूँ, प्लस बीच वाले इसका। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखो, और कभी भी मतलब जो सडनली ये चीज़ें होती हैं साइड्स लग गई एकदम गाड़ी में, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो हाईवे पे कभी कभी आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे क्या ये जा रहे हैं और इनको नहीं पता ये कितना रिस्की है, सही बताऊँ तो रिस्की है, प्लस दूसरे लोगों के लिए भी रिस्की है। टाइम कोई इमरजेंसी में जा रहा है, पता नहीं किस परेशानी में है, और ये लोग अपना हाईवे पे ये मजे ले रहे हैं, तो ये सच में बहुत इरिटेटिंग लगता है। गवर्नमेंट कैसे अलाउ करती है मुझे ये नहीं पता चलता है बस इनका। तो जो ये आपने देखा, क्या ये होना चाहिए हाईवेज पे या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके नीचे बताना, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ये इस तरह की हरकतों से एक्सीडेंट बढ़ते हैं ना कि घटते हैं। तो साइड में सर्विस लेन है, आप उस पर खूब चलाओ, खूब करो, सर्विस लेन पर जाके कितना ही नाचो गाओ कूदो, दूसरों को क्यों परेशान करना है यार। कोई इमरजेंसी में भी जा रहा होता है कई बार, पता नहीं कोई एम्बुलेंस आके ऐसे यहाँ पे जाम लग जाए और एम्बुलेंस फंस जाए तो फिर क्या होगा। तो कमेंट करके इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना। तो अभी चल चुका हूँ 180 किलोमीटर और कोटपुतली क्रॉस हो गया है, और घंटे भी 3 हुए हैं, 3 घंटे मतलब 9 बज चुके हैं। तो अभी करीब 100 किलोमीटर के आसपास बचा है यहाँ से जयपुर, और जिन्होंने लास्ट वीडियो दिल्ली टू जयपुर जिसमें मैंने फास्टैग चेक किया था अपना, वो नहीं देखी हो तो ऊपर आइकन में क्लिक कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आइकन में दिख जाएगा लिखा उसका लिंक वीडियो का। तो हाईवे अच्छा बना हुआ है ये नो डाउट, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ट्रक बहुत ज़्यादा है इस हाईवे पे। और एक चीज़ और आपको थोड़ी सजेस्ट करूँगा, हमें कई बार माइंड रीड करना पड़ता है जो हमारे आगे जा रहा है, माइंड रीड इन द सेंस के मैं थोड़ा सा एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लिया अभी कोई आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के आगे कोई ट्रैक्टर जा रहा है, तो हो सकता है वो लेन चेंज करे और हो सकता है वो स्लो कर ले, तो वहाँ पे हमें पहले से अलर्ट हो जाना पड़ता है कि ये अगर लेन चेंज करेगा तो हो सकता है मैं उस टाइम इसके साइड में हूँ, या फिर सडनली इसने लेन चेंज कर दी तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं ब्रेक लगे तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे या तो आप पहले से उसे अलर्ट करना होता है हॉर्न से, नाइट है तो आप डीपर दे सकते हो सो दैट उसे पता रहे कि हाँ साइड से कुछ आ रहा है। कई बार जो लोग नहीं देखते हैं साइड मिरर में तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हमें पहले से मतलब उस चीज़ के लिए अलर्ट होना पड़ता है कि हाँ इसके आगे कोई स्लो व्हीकल है और ये लेन चेंज कर सकता है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से जयपुर बचा है 45 किलोमीटर और मैं निकलूँगा बाईपास से, क्योंकि मुझे बाईपास से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा
अगर आप जयपुर सिटी जाना चाहते हो तो बिल्कुल सीधे निकल जाओगे, वरना बाईपास के लिए आप यहाँ से लेफ्ट ले लोगे। तो अभी मैं जयपुर पहुँचने वाला हूँ और ये है बाईपास जो अजमेर के लिए निकलता है बाहर बाहर। जयपुर गाड़ी चली है 269 किलोमीटर अभी और टाइम हुआ है 10:09, तो मतलब 4 घंटे से ऊपर हो गए, 4 घंटे 9 मिनट। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं जयपुर और यहां से मैं हूं अभी जयपुर और अजमेर जो बाईपास है एकदम यहां से मुश्किल से सिटी के लिए रास्ता कटता है आधा किलोमीटर पे जाके। तो टाइम जो लगा है टोटल वो लगा है 10:22 हो रहे हैं, 4 घंटे 22 मिनट आने में मुझे, और गाड़ी चली है 286 किलोमीटर। क्योंकि मैं लक्ष्मी नगर से चलता हूँ तो इसलिए गाड़ी उधर से ज़्यादा पड़ता है, तो ये चली है 286 किलोमीटर गाड़ी। और जो टोल टैक्स लगे हैं वो लगे हैं मेरे 320 रुपए के, क्योंकि मैं बाईपास से आया हूँ। अगर मैं बाईपास से नहीं आऊँगा, सीधे जाएंगे, तो आपके टोल टैक्स वही होंगे 265 के। बाईपास से आओगे तो 55 रुपीज एक्स्ट्रा एक टोल और पड़ जाता है जो बाईपास में पड़ता है, जयपुर टू अजमेर जो जयपुर का बाईपास है। तो चलिए होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मेहनत करते रहेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में।